नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पावरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोबिन कंपनी के थ्रेसर के बारे में, क्योंकि अभी गेहूं कटाई का सीजन बिल्कुल पास में आने वाला ही है। तो आज हम जानेंगे गोबिन कंपनी के थ्रेसर के बारे में, जानेंगे कि इसका प्राइस कितना है और इसके अंदर क्या दिया गया। सबसे पहले दोस्तों, इसकी बात की जाए तो यहाँ पर 3 ब्लोअर फैन दिया गया है, 1, 2, 3 फैन का है और यहाँ से गार्ड फेंकता है यहाँ से, और इसके अंदर चलनी आप जाल देख सकते हैं ऊपर का। ये जाल अभी एक्स्ट्रा दिया गया और इसके नीचे 3 जाल है अभी, और ये चलनी को स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए ये पुली दिया गया, और इसके अंदर चारों साइड चारों स्टैंड है, और ये इसका शाफ्ट लगा हुआ है। जो पिछली वाली वीडियो में हमने शाफ्ट के बारे में, ये पूरा असेंबल नहीं था पिछली वाली वीडियो में, लेकिन ये पूरा असेंबल है, इसके अंदर सभी चीज़ें लगाए गए जो स्ट्रेचर में होना चाहिए। पिछली वाली वीडियो में ये हुक नहीं था, ना ही इसके अंदर शाफ्ट था और ना ही इसके पीछे वाला था। ये देख लीजिए, इसके अंदर 4 बेल्ट दी गई है और ये डबल बैरिंग के साथ में आता है, और ये 10G वाला PTO दिया गया है, और ये 4 बेल्ट के साथ में आता है, और यहाँ पे 3 बेल्ट दिया गया है जो कि इसको चलाता है, बकेट को चलाता है। और ये देख लीजिए व्हील, और ये 750 RPM पर स्पीड में ये थ्रेसर इसका घूमता है, और ये इसका फैन, इस साइड इसका फैन है और उस साइड उसका थ्रेसर है, और ये उसका बकेट है जिसमें गेहूं डाला जाता है। दोस्तों, इस थ्रेसर की बात करें तो ये थ्रेसर मसूर, जवार, चना, बजरा, सोयाबीन, उड़द, मूंग, ये सब आसानी से इसके साथ में निकाल सकता है। और ये देख लीजिए, ये कुछ वहाँ एग्रो मार्ट जहाँ से आपने ख़रीदा हुआ है तो वहाँ का नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके प्राइस पूछ सकें। दोस्तों, पुराने वाले वीडियो में हमने उस टाइम 1,80,000 उसका प्राइस बताया था, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है। अभी बात की जाए तो यहाँ पे भी 2,50,000 के आसपास ये इसका प्राइस अभी है। अगर आप पिछले वाले वीडियो में देखेंगे तो वो प्राइस अलग है, क्योंकि वो 1 साल पहले बनाया गया था। अभी लोहा काफ़ी रेट बढ़ गया है, तो इसीलिए आज हम इसके बारे में फिर से वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि कई किसान भाई कहते हैं कि उस प्राइस में नहीं मिला है, तो वो प्राइस 1 साल पुराना वीडियो है, और वो वीडियो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स में चला है, इसीलिए ये वीडियो बनाया। और ये आप तीनों जाल को देख सकते हैं इस साइड में, ये तीनों इसका जाल है, तीनों जाल देख सकते हैं, और इसके अंदर एक जाल फ्री दिया गया, और ये इसका चलनी है, और बैक साइड भी 2 स्टैंड है। और पिछली वाली वीडियो में ये इसके अंदर नहीं लगा हुआ था, ये नहीं लगा था, और इसके ये सिकड़ भी नहीं लगा था। अब पूरा असेंबल है, और यहाँ पे मडगार्ड भी लगाया गया, और टायर साइज़ की बात की जाए तो 6-16 का टायर दिया गया, और ये हिंदुस्तान कंपनी का इसके अंदर टायर दिया गया, और ये पिछली वाली वीडियो में ये नहीं लगाया हुआ था। और इसकी हेड की बात की जाए तो 48-27 इसका हेड दिया गया है। फैन को स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे डबल स्टेप पुली दिया गया, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, इसके अंदर 3 बेल्ट है, 3 बेल्ट अभी उस वाले पुली पे चल रहा है। अगर आपको स्पीड बढ़ाना होगा तो आप बड़े वाली पुली पे डाल देंगे तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, फैन का स्पीड बढ़ जाएगा। दोस्तों, यहाँ से थ्रेसर का फैन को एडजस्ट कर सकते हैं कि भूसा मोटा करना है या पतला करना है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे पिछली वीडियो देख सकते हैं, पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं, और आई बटन में भी दिया गया। और ये ऊपर इस तरीके यहाँ से बकेट खुलता है, ये वाला यहाँ पे 2 नट दिए गए हैं, आप दोनों खोल के बकेट को खोल सकते हैं इसको। और ये देख लीजिए, कुछ वहाँ एग्रो मार्ट, यही नंबर पे आपको कॉल करके पूछ लेना है कि प्राइस अभी क्या है, क्योंकि प्राइस हमेशा चेंज होता है, जैसे लोहा का रेट चेंज होता है उसी के हिसाब से प्राइस चेंज होता रहता है। और इसकी हेड की बात की जाए तो इसका हेड 48-27 का इसका हेड दिया गया, और ये ISI मार्का में है, ये देख लीजिए इसमें। और ये देख लीजिए इसका नेम प्लेट, ये 540 PTO और 1000 PTO दोनों के साथ में चलने वाला है, और ये 48-27 इसका हेड का साइज़ है, और ये 45 HP से ऊपर वाले ट्रैक्टर में चला जाता है। जैसे कि ये देख लीजिए, ये 60 HP सोनालिका DI 60RX है, ये 60 HP का है, तो इसके साथ में ये चला जाता है। इससे कम SP में भी आप चला सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ट्रैक्टर होगा तो काफ़ी अच्छा जल्दी काम हो जाएगा।
और ये देख लीजिए यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों गोविंद कंपनी के थ्रेसर बहुत दूर दूर से आते हैं ख़रीदने के लिए, ये देख लीजिए ये अभी बिहार से आए हैं यहाँ पे हमारे यहाँ से थ्रेसर लेने के लिए। यही सब कुछ है गोविंद कंपनी के थ्रेसर के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।